Hey, what's up guys, Samita from SPK and welcome back to another video. तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कि 15th मई का जो डेडलाइन था व्हाट्सएप का, मतलब वो प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने का जो एक्सटेंड हुआ था बाद में, तो उसके बाद क्या होगा अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते. तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले. वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगा और ज़्यादा लंबा मैं नहीं रखूँगा और जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा. तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले लेट्स रोल आउट दी इंट्रो. सो गाइस, व्हाट्सएप ने जब अपना प्राइवेसी पॉलिसी चेंज किया था तब उस टाइम डेडलाइन था 8 फरवरी तक. मतलब आपको उस टाइम के अंदर आप लोगों को अकाउंट, मतलब आप लोगों को जो अकाउंट में जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो ऑप्शन आ रहा था उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा. ऐसा कुछ मतलब चल रहा था उस टाइम. और उस टाइम में व्हाट्सएप को काफ़ी बड़ा बैकलैश फेस करना पड़ा और उसी दौरान टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप को भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे बूस्ट मिला. बट इवेंचुअली क्या हुआ था कि व्हाट्सएप अपना जो डेडलाइन है उसको बहुत पीछे लेके गया, 15 मई तक कर दिया था. बट अभी बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर 15 मई तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होगा. देखिए, व्हाट्सएप का जो नॉर्मल फीचर्स है लाइक स्टेटस का, मैसेज सेंड करने का, तो ये सब जो फीचर्स है ये पूरा डिजेबल हो जाएगा लाइक 15 मई तक. अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया इट्स फाइन, आप एकदम मजे से यूज़ कर सकते हो व्हाट्सएप को. बट अभी मैं बात करूँ कि अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होगा. तो अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो 15 मई के बाद आपका जो अकाउंट है वो इनडायरेक्टली इनएक्टिव हो जाएगा. एंड साथ ही साथ आप किसी को मैसेज सेंड नहीं कर पाएंगे और कोई आपको भी मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा. एंड उसके साथ साथ आप कॉल्स रिसीव कर सकते हैं, कॉल्स एंड नोटिफिकेशन से रिसीव कर सकते हैं, बट वो भी काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए. और उस 15 मई तक अगर आप व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी पॉलिसी उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो उसके बाद से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा. लाइक 120 डेज तक आपका अकाउंट अगर इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट 15 मई के बाद अगर आप मतलब उसके अंदर अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका अकाउंट को इनएक्टिव बोला जाएगा. और कोई भी इनएक्टिव अकाउंट को 120 डेज के बाद व्हाट्सएप उसको डिलीट कर देता है. तो आपके पास टाइम है, आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप वो जो सारे चैट्स है वो आप दूसरे ऐप्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. लाइक टेलीग्राम में आई गेस फीचर आ गया होगा, सिग्नल में भी होगा शायद से, मुझे नहीं पता, आप लोग थोड़ा चेकआउट कर लेना. तो आप लोग वो कर सकते हैं, नहीं तो यार एक्सेप्ट कर लो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. बट इंस्टेंट डिलीट नहीं होगा, वो इनएक्टिव रहेगा कुछ टाइम के लिए, 120 डेज के अराउंड. फिर जाके अगर मतलब व्हाट्सएप का ऐसा पॉलिसी है कि कोई भी अकाउंट अगर इनएक्टिव रहता है 120 डेज के लिए तो उस अकाउंट को डिलीट किया जाता है. तो बस यही सब कुछ था कि 15 मई के बाद क्या हो सकता है, मतलब हो सकता है कि ऐसे ही होगा, व्हाट्सएप ने खुद बोला ऐसा. तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए. अभी के लिए हम लोग व्हाट्सएप में, मतलब मैं खुद का बात कर रहा हूँ, मैं तो व्हाट्सएप में ऐसे हूँ अभी, ऐसे फुल्ली शिफ्ट नहीं किया है. बट अभी टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ. और उसके साथ साथ अभी एक इंडियन ऑल्टरनेटिव आ गया, संदेश ऐप, जो कि एक गेम्स ऐप है, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम. तो अगर आपको वो वाला वीडियो भी चेकआउट करना है तो इधर आई सेक्शन में मिल जाएगा, आप वो भी चेक कर सकते हो. तो यही है सब कुछ बात. तो वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो. और साथ ही साथ अगर आपको ये चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज बी टेकी. बाय बाय.